Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Today's video is based on class 12th matrices. Jaisa ki continuously do series hamari chal rahi hain, matrices and infinite series. To ek higher education ka aur ek academic ka do classes hum continuously kar rahe hain. Aaj ka jo video maine aapko bataya ki matrices ka next video मैं आज लेकर के आया हूँ. तो काफ़ी चीज़ें हम पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें. कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेन टॉपिक्स हैं इसके, मैट्रिसेस के, जिससे एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. और बात करें मैट्रिसेस का, जो सबसे मेन क्वेश्चन माना जाता है वो है फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो हालांकि हम बाद में करेंगे, लेकिन जो आज के क्वेश्चंस में लेने जा रहा हूँ ये, अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर्स के किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस उठाएंगे तो ये तीनों क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में ज़रूर मिलेगा. तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक से ढूंढें. ये तीनों क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आरडी शर्मा में भी मिल जाएगा, एमएल अग्रवाल में भी मिल जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो स्टार्ट करते हैं इनको. इन तीनों क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट जो यूज़ होगा वो होगा पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. क्लास 11th का कंसेप्ट है. अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर है, अच्छे से आप उसको वहाँ कंप्लीट करके आए हैं 11th में, तो ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होने नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे पैटर्न आपको वैसे ही अप्लाई करना है जैसे आपने 11th में पढ़ा था, उसी पैटर्न में इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है. मैं स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थर्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, फिर भी कोई स्टेप अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एक क्विक रिवीजन में बताऊं तो तीन स्टेप्स में हम इनको सॉल्व करते थे. मेनली तीन स्टेप्स होते थे. पहले स्टेप में एन की वैल्यू बेसिकली वन रख के हम देखते थे कि वन रखने पे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है. अगर है तो फिर हम ये मान लेते थे कि एन इज़ इक्वल टू के लिए भी ये ट्रू है. ये मान लेंगे यहाँ पर और प्रूफ करेंगे कि n इज़ इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ये ट्रू अगर आ रहा है, तो वो जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी. तो ये तीन स्टेप्स थे जो आपने पढ़े हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप. a आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, ये आपको प्रूफ करना है कि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मीन्स स्मॉल n इज अ नेचुरल नंबर. तो केस वन में क्या करते थे हम, पुटिंग n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन देन वी गेट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो जैसे ही हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमको जो रिजल्ट मिला लेफ्ट साइड और राइट साइड वो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू यही तो दी है आपको क्वेश्चन में. इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही हम 1 यहाँ रख रहे हैं तो जो हमको कंडीशन क्वेश्चन में दी है वो सेटिस्फाई हो जा रही है. तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन. केस वन होता था. अब हम ये मान लेंगे केस टू में कि लेट ए एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. ये मान ले रहे हैं कि k के लिए ये ट्रू है. देयरफॉर क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। एन इक्वल्स टू के लिए हम ट्रू मानेंगे और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है ये प्रूव करेंगे। नाउ वी विल शो दैट द गिवन इक्वेशन या कंडीशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन इफ इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। अगर ये एन इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो हम ये प्रूव करेंगे कि के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू होगा। देयरफॉर ए रेज टू द पावर के प्लस वन के लिए हमको ये प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। अब क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है तो के प्लस वन के लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा उसको आप रफली पहले देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपको k प्लस वन प्रूफ करना है। तो cos k प्लस वन थीटा जहाँ जहाँ पे n आ रहा है माइनस साइन k प्लस वन थीटा साइन k प्लस वन थीटा एंड cos k प्लस वन थीटा। तो ये आपको प्रूफ करना है k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो हमको हमारा टारगेट ये है, ये टारगेट आप रफ में पहले से ही लिख के रख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि हमको एट लास्ट क्या लेकर के आना है। तो ए रेज टू द पावर के प्लस वन को हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर के इंटू ए, और ए रेज टू द पावर के की वैल्यू क्या है ये है कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा इंटू ए। ए क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, मल्टीप्लाई बता रखा है पहले रो का कॉलम से कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा पहला एलिमेंट फर्स्ट होगा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आते हैं यहाँ पे माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस का इससे कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ ही साथ क्या कर लेते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आगे देखिए ए रेज टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस के थीटा प्लस थीटा। कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन के थीटा प्लस थीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। और क्या हमको प्रूफ करना क्या हमारा टारगेट था वो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका था कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा सारे टर्म्स मैच कर रहे हैं तो आप ये रफ में पहले से लिखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया पहले एन इक्वल टू वन रखा, वन पे ट्रू आ रहा था, फिर हमने मान लिया कि के लिए ट्रू है और k के लिए अगर ट्रू है तो k प्लस वन के लिए भी ट्रू आना चाहिए, वो ट्रू आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट इज a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया cos n थीटा साइन n थीटा
माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला आपको ट्राई करें जैसे मैं बता रहा हूँ। दोनों क्वेश्चंस में बता दिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बताया, सेकंड जैसे बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही थर्ड वाला भी करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए आपको क्या दिया हुआ है, 0100। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, टू, वो आपको बता ही रखा है मैंने। और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो उसी तरीके से फिर केस वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए पहले इसको ट्रू प्रूफ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ए आई प्लस बी ए की पावर वन। राइट हैंड साइड क्या बनेगी इसी की, ए की पावर वन आई प्लस वन ए की पावर वन माइनस वन बी ए, ए आई ए की पावर जीरो वन हो गया, तो ए आई प्लस बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, वन के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं केस टू, लेट अस अज्यूम दैट the given condition is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए true है ये मान लेते हैं हम। तो अगर k के लिए true है तो क्या हो जाएगी condition, ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k हो गया i प्लस k a रेस टू द पावर k माइनस वन बी ए, इक्वेशन वन। वन के लिए ट्रू, के के लिए एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है मान लिया हमने। केस थ्री में क्या होता है, वी विल शो दैट गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन इफ इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। अगर ये k के लिए ट्रू है तो हम k प्लस वन के लिए ट्रू है ये प्रूफ करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं रफ में क्या प्रूफ करना है उसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ वहाँ पे k प्लस वन हमको प्रूफ करना है। इसको अब रफ में पहले से ही लिख लें, a की पावर k प्लस वन i प्लस k प्लस वन a k प्लस वन माइनस वन बी ए। तो ये हमारा टारगेट है जो हमको प्रूफ करना है यहाँ पे, किसका यूज़ करके, इक्वेशन वन का यूज़ करके। देयरफॉर ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर क्या लेनी है, के प्लस वन लेकर के चलते हैं, तो ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के प्लस वन को हम लिख सकते हैं के इंटू ए आई प्लस बी ए, ये लिख सकते हैं। ए आई प्लस बी ए की पावर के किसके इक्वल है, a रेज टू द पावर k i प्लस k a रेज टू द पावर k माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए यूजिंग इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस वन, आइडेंटिटी को i से ही मल्टीप्लाई करोगे तो i आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, k a की पावर k माइनस वन इंटू ए कितना हो जाएगा, a की पावर k इंटू बी,
किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आती है। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको ये मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो इसका दोनों से मल्टीप्लीकेशन कर लिया, बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए रेज टू द पावर के इंटू बी और आइडेंटिटी इंटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, के ए रेज टू द पावर के माइनस वन बी इंटू बी बी स्क्वायर और ए इंटू ए ए स्क्वायर आ गया। तो जो टारगेट हमारा था उसमें देखते हैं कौन कौन से टर्म्स मैच कर रहे हैं। फिलहाल ये पहला टर्म इससे मैच कर गया है और इसमें आप देखिए ए रेज टू द पावर के बी ए सब कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा के, यहाँ क्या बचेगा वन। तो फिलहाल ये कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। तो ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, ए रेज टू द पावर के प्लस वन आई, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो अंदर बचेगा के प्लस वन इंटू ए रेज टू द पावर के बी ए प्लस लास्ट टर्म क्या है इक्वेशन टू। इसमें देखिए टर्म्स तो मैच कर रहे हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहाँ पे, इसको एलिमिनेट करना है हमको। तो यहाँ नाउ ए क्या दिया हुआ था हमको, ए मैट्रिक्स दी थी 0 1 0 0 ऑलरेडी पहले से दी हुई है। तो इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए 0 1 0 0 0 1 0 0 जीरो इंटू जीरो 0 1 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 0 into 0 0 into 0 0 आ गया, 0 into 1 0 0 into 0 0 तो 0 मैट्रिक्स आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। अब इसको यहाँ रख लेते हैं, therefore from 2 ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर के प्लस वन आई के प्लस वन ए रेज टू द पावर के, जो हमको टारगेट प्रूफ करना था उसमें के प्लस वन माइनस वन आ रही है की पावर, तो हम वन ऐड कर लेते हैं वन माइनस कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटू बी इंटू ए। और लास्ट टर्म में जो ए स्क्वायर हमने निकाला था वो जीरो मैट्रिक्स आ रही है, और जीरो मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और जीरो मैट्रिक्स में अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एट लास्ट हमको ये रिजल्ट मिल रहा है जो हमको प्रूफ करना था। आप देख लीजिए मैंने टारगेट पहले से लिखा हुआ था, अगर आप टारगेट पहले से लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो वन के लिए प्रूफ किया, के लिए हमने मान लिया कि ट्रू है और के प्लस वन के लिए भी ट्रू आ रहा है। तो देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है, पहले एन इक्वल टू वन रखेंगे तो वन रखने पे फिर से ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर एन इक्वल टू के लिए आप मान लोगे कि ये ट्रू है और एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो एन इक्वल टू के प्लस वन को हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के इंटू ए, फिर उसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। टारगेट क्या है उसको आप पहले से रफ में लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आई होप पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पुराने वीडियोस भी आप सीक्वेंस में देखें, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, और क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। जल्दी आपको इन्वर्स निकालने की भी ट्रिक्स मैं बताऊँगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, सो बी सेफ़।